आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। सुदनपारा में गांजा का पुड़िया बनाकर बेचने वाले एक आरोपी को कोटा पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी से 1 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त। कोटा पुलिस के द्वारा गांजा मादक पदार्थ बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कोटा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में अपने घर पर ही गांजे की पुड़िया बनाकर गांजा बिक्री कर रहा था। कोटा पुलिस ने आज 20 जुलाई एक आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई है। आरोपी से 1 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। कोटा SDOP रश्मित कौर चावला ने मीडिया को जानकारी देते हुए बतलाया है कि मुखबिर की सूचना पर कोटा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 1 सुदनपारा में अपने घर के सामने गांजे की पुड़िया बनाकर अवैध रूप से बेचता है। वही जिसकी सूचना पर पुलिस ने तत्काल ही वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में वहां पर टीम गठित कर छापेमारी की, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर आरोपी रामकुमार मरावी पिता ढेली राम मरावी उम्र 45 वर्ष ने अपने घर में गांजे की पुड़िया बनाकर बेचना कबूल किया, जहां कोटा पुलिस द्वारा NDPS एक्ट की धारा 20B के तहत कार्रवाई कर न्यायालय पेश किया गया है। छत्तीसगढ़ जानकी नवागढ़ राजभाटा से बालेश्वर को सकती। कल रात को मुखबिर से कोटा पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि राम कुमार मरावी सुदनपारा का रहने वाला, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष है, ये अपने घर के सामने गली में अवैध रूप से गांजा को पुड़िया बनाकर बेचता है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने तत्काल ही वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में वहाँ पर एक टीम बनाकर रेड की और उस बंदे को उठाया गया। उससे पूछताछ करने पर उसने कबूल किया कि उसने अपने घर में गांजा रखा हुआ है और एक थैली में हमें वहाँ से 1 किलो 200 ग्राम के लगभग गांजा प्राप्त हुआ है, तो NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही कर आज उसे जेल दाखिल कराया जाएगा। पुलिस तत्काल रूप से पहले यही देख रही है कि किस प्रकार से टीम बनाकर वहाँ पर रेड की जाए, क्योंकि बहुत ऐसी शिकायतें आ रही हैं वहाँ पर कि वहाँ महिलाएं भी इन्वॉल्व रहती हैं इन चीज़ों में, तो उसे एक प्रॉपर रेकी करके टीम बनाकर जल्द ही उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। खबरों में बने रहने के लिए जेएक्स न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे।